अरे भगवान क्या देखता हूँ, अरे हमारी मौत को नहीं दे देता, अरे जीने की रास्ता ही खत्म कर दिया है। शंकर का लाल
आज कितने दिनों की बात तू जेल से घर वापस आया है। भूखा होगा, मैं तो तेरे लिए खाना लाती हूँ। बैठ कर खाना खाने के बाद हम लोग बाद में बातें करेंगे। हाँ ले आओ, हाँ मेरे लाल। बाद में तुझे कुछ बातें बताऊंगी। भाई के
पत्थरों को ढूंढने के लिए। बिमला के गले का उतरा हुआ है, मरे मराया गया, मुंह बंद कर ले। अरे जब उसको मार दिया तो उसका हार उतारे तो मरे मराएगा तुम। हाँ। लेकिन इसमें लिखा है क्या कि मरे हुए? देखिए ये हार अपनी प्रेम का माधुरी के गले में पहनाऊंगा, क्योंकि मैंने प्यार माधुरी से किया है। वो जो लौटंकी वाली नाचने वाली मेरे लिए उसने अपना धंधा बंद कर दिया है। अच्छा, अब नाचने वाचने नहीं जाती? कुछ नहीं, क्योंकि हमसे वादा किया है। अबे परसों तक बढ़वा लेके जाता रहा। बचा, 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 बचा। तेरी नजरें धोखा खा गई हैं। माधुरी ऐसा नहीं कर सकती। आज हम माधुरी के कोठे पे चलेंगे, क्योंकि मेरी वजह से उसने अभी तक शादी नहीं किया। कहां इनके शादी हुआ तो कहो तुम बैठा लिए, कहो हम बैठा लिए। तेरा दिमाग तो नहीं खराब? हमने वादा किया है ना। अरे चलिए हम भी चल रहे हैं। उसके साथ शादी करेंगे, उसे दुल्हन बना के हवेली लेके आएंगे। वो मेरी वजह से अभी कंवारी बैठी है। कहते नहीं है कि आदि करा जहिया कंवार रहनु। आदि करा जहिया कंवार रहनु, पियावा के पहिए हम। अब मेरे नैना सामने निभा दो, सामने निभा दो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तुम्हारी गीत उस दिन भी मुझे पसंद आई थी और आज भी। क्या गा रही थी कि मेरे ma
माधुरी बहुत आदर से नहीं आते तो कोई ये माधुरी मेरी जान है इनकी जान है वो मेरी बहुत दिन के बाद याद आई हो दादा सिंह माधुरी मैंने वादा करके गया था ना और आज वादा का पूरा करने आया हूँ अच्छा कि आ गया माधुरी मैं तेरे पास में नौलखा हार पहनोए अपने गले नौलखा हार पहनोए अपने गले अपने दिल का ये नाचा बना लीजिए नौलखा हार माधुरी इस गले के इस हार को गले में डालो और शादी के लिए तैयारी बनाओ दादर सिंह हाँ ये हार तो किसी के गले का उतरा हुआ लग रहा है उतरा हुआ माधुरी हाँ 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 मैंने तुमसे प्यार किया है ना हाँ प्यार किया है हम दुनिया से झूठ बोल सकता हूँ लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ हमें तो लगता है किसी का हार ये करेंगे चौराहे पर तो छोड़ आए ना दाता सिंह वाकई में ये गले का हार किसी के उतरा हुआ है हाँ वही चीज तो पूछ रही हूँ ये नया नहीं किसी का पहना हुआ और मेरे को लग रहा है लेकिन माधुरी नहीं नहीं शादी में किसी का उतारा हुआ हार है कहीं डकैती तो नहीं डाले देखो इस हार की अगर कहानी तुम्हें हम बताऊंगा तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी अरे कौन सी बात है बताओ बताओ जमीन नीचे खिसक जाए माधुरी हाँ बोलो मेरे से एक छोटा भाई था अच्छा जिसका नाम अरुण था उसका एडमिशन मैंने जसवंत नगर डिग्री कॉलेज में करवाया था अच्छी बात है जिस कॉलेज में हमारा भाई पढ़ता था हाँ। उसी कॉलेज में एक बिमला नाम की लड़की पढ़ती थी उसी कॉलेज में अचानक उस लड़की की खूबसूरती देखकर मेरे भाई का दिल उसके ऊपर आ गया फिर क्या हुआ कॉलेज से जब छुट्टी हुई तो रास्ते में जाकर मेरा भाई उससे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया मतलब छेड़खानी कर ली हाँ वही समझो लेकिन उस बिमला ने जाकर अपने घर में बता दिया उसके दो भाई थे श्याम और शंकर अच्छा उसी बात की वजह से मेरे भाई को उन्होंने जान से मार दिया मार। लेकिन मैंने अपने मरे हुए भाई की कसम खाया था कि जब तक तेरे कातिलों को इस दुनिया से नामों निशान नहीं मिटा दूंगा मैं अंबे नगर में चैन से नहीं बैठूंगा तो इसका मतलब मैंने है अपने भाई का बदला चुकाने के लिए बिमला के साथ शादी किया शादी करके लाए कमरे में बंद करके कमरे में लोकअप लगा दिया उससे जो छोटा भाई शंकर था ना चकमा देके बहाना से जिस जगह पे मेरे भाई को उन्होंने मारा था उसी जगह पे मैंने उसके भाई को मार दिया और शंकर के खून का इल्जाम मैंने उसके बड़े भाई श्याम पे लगा दिया क्या बात उसी बात श्याम की जाकर मैंने जमानत भी करवा दिया उसे शक ना पड़े उसकी बात हवेली में आया बिमला को भी जान से मार दिया क्या बात उसको मार के उसकी लाश को उसके मायके पहुंचवा दिया और उसके गले का हार उतार के हम तुम्हारे पास लेके हार को पहनो शादी के लिए तैयारी बनाओ इनकी बातों पे तुम लोगों को कुछ असर पड़ता है पड़ता है ना और क्या बात करो दातर सिंह सुनो मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ
बोलो और बात मेरी हे दादर सुनो ध्यान से दादर सिंह तो कह रहे हो ध्यान से सुनो और बात मेरी ऐ दादर सुनो ध्यान से चले जाइए ऐसे हारी कि मुझको जरूरत नहीं और ऐसे हारी कि मुझको जरूरत नहीं मेरी सूरत कभी भी ना दिखना जो तू अपनी बीबी के नहीं हो सका तो मेरा होगा। अरे तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैं दो पैसे कमाती थी, तूने वादा किया था कि मैं तेरे से शादी करूंगी, वो भी कुछ नहीं किया, दूसरे के साथ शादी कर ली और उसके बाद उसको मार के मेरे पास आ रहा है। मैं दादर तुरंत निकल जाने 112 नंबर को फोन करके ना तेरे को झुमनी तलैया का जेल ना खिलाया ना तो मेरा नाम भी जान ले। माधुरी हमने उसके साथ शादी जरूर किया है लेकिन हनीमून नहीं मनाया। हनीमून तो तेरे साथ यहाँ नहीं, तुझे डोली पे बिठा के लेके जाऊंगा दिल्ली कुतुब मीनार के पीछे हनीमून मनाऊंगा। समझ गई? जो ये अपनी पत्नी का नहीं हुआ मेरा होगा। है तुरंत निकल जा ठाकुर यहाँ से दादा सिंह। अबे काले रंडी के भड़ुए हल्दी नहीं बोलना दादा सिंह, चुपचाप निकल जाए यहाँ से नहीं तो 112 नंबर तलैया ना दिखा दिया ना पूरा मोहल्ला बदल ठीक है। बोलत है हो कहावत में किसी ने कहा है रंडी मुंडी बबुर की छाही छिनमा अपन छिनमा नाही। माधुरी बोलो दादर हम चला जाऊंगा। हाँ बिल्कुल चले जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं यहाँ पे। ये हार को लेके नहीं जाऊंगा, इस हार को तेरी चौखट पे पटक के जाऊंगा। अगर दादर सिंह के लिए तेरे दिल में थोड़ी सी जगह हो तो हार उठा के गले में डाल लेना, मेरे पास को फोन घुमा देना, बारात लेके आऊंगा। लेकिन सुन ले, अगर तूने शंकर के कातिल को या बिमला के कातिल को तूने किसी से बताया तो इसी चाकू से तुझे फाड़ के नरेगा ताल बना दूंगा। ऐसी फाड़ फाड़ूंगा ना सर से लेके नीचे तक कि डॉक्टर इलाज करने में शर्म खाएगा। तू धमकी किसको दे रहा दादा? तू धमकी दे रहा कि यहाँ बुलाए इकट्ठा करे? ये तुम्हारी हवेली नहीं है, ये रंडियों जा रहा हूँ और ये हार को तेरी चौखट पे पटक के जा रहा हूँ। चुपचाप जा रहा हूँ, माधुरी सुन ले। हाँ बोल। लेकिन किसी से बताना नहीं, जा रे कुत्ते भड़वे मेरे को क्यों भड़वी दे। और ये हार समझ गई, मेरे तेरे दिल में जगह हो चले आते हैं। पूरी मेरी मंडी बेकार कर दिया। ये आगे हमारे मनोज भाई।